السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم استب السلام السلام عليكم استب السلام السلام عليكم peace be unto you وعليكم السلام peace be to you استب السلام وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم आज मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ एक नई रेसिपी लेके आई हूँ लौकी के क्वाब जो बहुत ही आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। जिसके लिए मुझे अशिया चाहिए 500 ग्राम लौकी जो अभी मैं इसे कद्दूकस करूँगी, धनिया बारीक चॉप किया हुआ 3 अदद हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई, प्याज छोटा सा बारीक चॉप किया हुआ, 2 अदद लेमन, 6 टेबलस्पून बेसन, चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पिसा हुआ 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, ये सूखा धनिया पिसा हुआ। इसका मसाला बनाएंगे, उसके लिए 1 बटर जिसकी मैंने प्यूरी बना ली है, 3 चम्मच दही, 1/2 टीस्पून ज़ीरा साबुत ज़ीरा, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक या हस्बे ज़रूरत। चलिए हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपनी लौकी को कद्दूकस करते हैं। जी हमारा कद्दूकस हो चुका है, ये देखें, ये हमने एक बाउल ले लिया, उसमें हमने जाली, इसके ऊपर हम एक मलमल का कपड़ा रखेंगे ऐसे। इसमें हम लौकी डालेंगे, फिर इसका हम निचोड़ के इसमें से पानी निकालेंगे। सबसे अच्छा तरीका ऐसे इसका पानी निकालने का, अच्छे से इसका पानी निकल जाएगा। इसी तरह हम सारा निकाल लेंगे, ये देखिए जी, हमने ये अपना आखिरी बैच भी कर लिया। ये अब हम इसको छन्नी को भी उठाएंगे, पानी कितना सारा निकला है। हम इसको ज़ाया नहीं करेंगे, हम अपना इसको मसाले में यूज़ करेंगे। इसमें अपने स्पाइसेस डालते हैं, इनको हम खोलते हैं, यूँ ड्राई हो चुके हैं, ये देखें इनमें से पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इसमें हम ये अपना धनिया और हरी मिर्चें डालेंगे, साथ में ये हम अपनी स्पाइसेस जो मैंने आपको बताई हैं ये डालेंगे, साथ में ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और ये प्याज डालेंगे। ये हम इसको मिक्स कर रहे हैं। अब हम इसमें अपना ये बेसन डालेंगे, ये आधा डाल के पहले देखेंगे, अगर हमें ज़रूरत पेश आई तो हम और डालेंगे। हम ये अपना सारा डाल देंगे, हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जी। अब हमने इसमें नमक डाल देना है, ये हमने चिकन पाउडर डाल देना है और ये लेमन जूस डाल देना है, 2 अदद लेमन थे, और इनको मिक्स कर लेना है। नमक हमने तब डालना है जब ये बनाने के बिल्कुल तैयार पे हो।
हम अब इन्हें ज़्यादा नहीं मिक्स करते और इनके कोआ बनाते हैं। ये आयल रखा हुआ है, अब हम इनको साथ साथ बनाते जाएंगे, साथ साथ डालते जाएंगे। किसी भी शेप में आप बना सकते हैं। السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم استنب السلام चलिए जी हमारा ये आखिरी छोटू सा रह गया। इधर हमारे को आप तैयार हो रहे हैं और इधर हमने एक और फ्राई पैन लिया है जिसमें हमने अपना मसाला तैयार करना है। हमारा गर्म हो गया, हम जीरा डालेंगे। इसको हम थोड़ा सिजल करेंगे, इसका बहुत इनका प्यारा कलर आ चुका है। इनको हम इनकी साइड चेंज करते हैं। जी इधर हमारा ये हो रहा है, इसमें हम अपने ये अब मसाले डालेंगे सारे और इन्हें ये मिक्स करेंगे। साथ ही हमने ये जो एक टमाटर की प्यूरी बनाई थी ये डाल देंगे। टेबल स्पून दही जो हमने लिया था, अब इसमें हम लौकी का पानी था ये हम डाल देंगे। और इसे यूँ पकने देंगे। इधर हम अपने कुआब देखते हैं, माशाल्लाह प्यारा कलर आ रहा है सब में। जी हमारे कुआब रेडी हो चुके हैं, हम अब निकाल लेते हैं इन्हें। और ये जो ऑयल है इसमें हम अपने कुछ वेजीज, ये प्याज है, ये जो मैंने ये मोटे मोटे काट लिए हैं, ये येलो कलर की शिमला मिर्च है, रेड कलर की मिर्च है, ये मैंने यूँ काट लिया, और ये एक सब्ज़ मिर्च है। ये कुछ वेजीज हम यूँ इसे फ्राई कर लेंगे, हल्का सा इन्हें हम कर लेंगे। इतने में हमारी ये ग्रेवी भी हो जाएगी। हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है, आप इसकी थिकनेस अपने हिसाब से रख सकते हैं। जी माशाल्लाह से हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं, हमारी ये जो ग्रेवी थी हमने जो बनाई है वो भी तैयार है, और ये दही वाली चटनी, ये सादा चटनी हमारी तैयार है, साथ हमारी रोटियां भी तैयार हैं। ये गर्मा गर्म रोटी के साथ ये आप खाएँ, ये ट्राई करती हूँ मैं। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल कुक, अपने घर में ये बनाएं। बहुत आसान सी और सिंपल सी रेसिपी है। लौकी के कबाब बहुत मज़े के बनते हैं माशाल्लाह से। लोग इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी में लेकर आपके सामने हाज़िर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم استنب السلام السلام عليكم استنب السلام